नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। अनिल कुंबले जब भारतीय टीम के कोच थे और विराट कोहली कप्तान थे तो दोनों के बीच खूब विवाद देखने को मिला था और विराट कोहली तो इस कदर अनिल कुंबले से नाराज थे कि वो बीसीसीआई तक से उनकी शिकायत करने पहुंच गए थे। और हुआ ये कि अनिल कुंबले को बाद में कोचिंग पद से इस्तीफा देना पड़ा और उनके बाद रवि शास्त्री को नया कोच नियुक्त किया गया। उस वक्त क्या कुछ हुआ था अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच, ये सब जानना चाहते हैं। हालांकि पुख्ता तरीके से कोई भी बात सामने नहीं आई, सुर्खियां बनी ये खबरें और लगातार सूत्रों के हवाले से ही खबरें चलाई गई, लेकिन सच क्या था ये सामने नहीं आया था। लेकिन अनिल कुंबले और विराट कोहली के उस विवाद के बीच में अब जो खुलासा हुआ है वो सनसनीखेज है। आपको बता दें कि ये खुलासा किया है उस वक्त भारतीय टीम के मैनेजर रहे रत्नाकर शेट्टी ने। आपको बता दें कि वो उस टीम का हिस्सा थे और उस पूरे स्क्वाड में हर मीटिंग में वो शामिल होते थे, जहां पर उन्होंने सब कुछ करीब से देखा। और विराट कोहली अनिल कुंबले की लड़ाई की क्या जड़ थी और क्यों दोनों आपस में लड़ रहे थे, ये बात उन्होंने अपनी एक नई किताब ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई में लिखकर बताई है और विस्तार से समझाया है कि दोनों के बीच क्या कुछ हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि रत्नाकर शेट्टी ने क्या कुछ लिखा है इस पूरे विवाद के बारे में। रत्नाकर शेट्टी लिखते हैं, जून 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद अनिल कुंबले के इस्तीफे तक जो कुछ भी हुआ उसने क्रिकेट के गलियारों में दाखिल हो चुकी अस्पष्टता को दिखाया। मई के दूसरे सप्ताह में मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच आईपीएल मैच से एक दिन पहले मैं वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर से वानखेड़े स्टेडियम में मिला। मैं हैरान रह गया जब बीरू ने बताया कि डॉक्टर श्रीधर ने उनसे भारतीय टीम के कोच पद के लिए आवेदन करने को कहा है। इसके आगे रत्नाकर लिखते हैं, कुछ दिन बाद आईपीएल फाइनल के लिए मैं हैदराबाद चला गया। मैच से पहले क्रिकेट प्रशासक समिति की बैठक हुई। अनिल और विराट को मीटिंग में भारतीय क्रिकेट के आगे के रास्ते के लिए प्रेजेंटेशन देनी थी। इसमें विनोद राय और डायना एडुलजी मौजूद थे। अनिल भी थे और विराट ऑनलाइन जुड़े हुए थे। विनोद राय ने तब मुझसे पूछा कि 2016 में टीम के कोच की नियुक्ति के कौन सा प्रोसेस अपनाया गया था। आगे जो कुछ हुआ हैरान करने वाला था। राय ने सबके सामने कहा कि वह प्रोसेस फिर से दोहराया जाएगा। अनिल और मैं चकित रह गए। मुझे मई में वीरो के साथ हुई बातचीत याद आई और मैंने अनिल को बताया, यह बात तय है कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने मन से तो वीरू को कोच पद के लिए नहीं बोला होगा। रत्नाकर ने बेहद शानदार तरीके से उस पूरे वाक्यों को अपने किताब में आगे लिखते हुए बताया है। यह साफ था कि कुछ लोग अनिल को कोच नहीं रखना चाहते थे। कप्तान और कोच की एक राय नहीं थी और ऐसा लगा कि कप्तान का पलड़ा भारी है। बाद में मुझे पता चला कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले लंदन में मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में विराट, राहुल जौहरी, अमिताभ चौधरी और डॉक्टर श्रीधर मौजूद थे। विराट के आरोप थे कि अनिल खिलाड़ियों का पक्ष नहीं लेते हैं और ड्रेसिंग रूम में तनाव भरा माहौल बनाया है, इसीलिए उनके साथ आगे का रास्ता नहीं चुना जा सकता है। तो रत्नाकर शेट्टी ने अपनी इस किताब में पूरी तरीके से खुलासा किया कि विराट कोहली क्यों अनिल कुंबले को कोच नहीं चाहते थे अपनी कप्तानी में। कोहली ने साफ कहा कि वो जितना अनुशासन अनिल कुंबले रखते हैं उस अनुशासन में वो और उनकी टीम नहीं रह सकती है। तनाव भरे माहौल में ड्रेसिंग रूम में इस तरीके से सर्वाइव करना सही नहीं है, इसीलिए अनिल कुंबले को कोच पद से हटाया जाए वरना मैं टीम के साथ नहीं होऊंगा। विराट कोहली ने अपनी राय रखकर बीसीसीआई के सामने दुविधा उत्पन्न कर दी, जिसके बाद बीसीसीआई ने भविष्य को देखते हुए अनिल कुंबले को कोच पद से हटने के लिए कहा, जिसके बाद अनिल कुंबले टीम इंडिया छोड़कर चले गए और विराट कोहली के पसंदीदा कोच रवि शास्त्री की एंट्री हुई और उसके बाद भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ा। इस दौरान रवि शास्त्री ने बेहद ही शानदार प्रदर्शन अपनी कोचिंग में कराया, लेकिन कोई भी ट्रॉफी उनके हाथ नहीं लगी, जबकि अनिल कुंबले ने अपने छोटे से कोचिंग करियर में भारत को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। फिलहाल इस विवाद का अब खुलासा हुआ है, सब यही कह रहे हैं कि विराट कोहली ने अपनी वजह से अनिल कुंबले को कोच पद से बीसीसीआई से कहकर हटवा दिया था। फिलहाल रत्नाकर ने किताब में जो कुछ भी लिखा है ये उनकी राय है और उस वक्त क्या कुछ हुआ था उस सिनेरियो को देखकर उन्होंने लिखा है, और जैसा उन्होंने लिखा है हमने आपको हूबहू वैसा ही पढ़कर बता दिया। अब आप अपनी राय बताइए, क्या विराट कोहली ने अनिल कुंबले को हटाकर सही किया था या गलत।